तो वेरी वेरी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं ऑल द टेक। दोस्तों आज की वीडियो में जो आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं वो कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बस एक छोटी सी मॉडिफिकेशन है मेरे बाइक में, वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। और वो है आज मैं अपनी बाइक में पल्सर 150 में 220 का साइलेंसर इंस्टॉल करने वाला हूं। ओके दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो को देखने के बाद जिसमें मैंने अपनी बाइक में पल्सर 150 में रेयर डिस्क ब्रेक इंस्टॉल किया था, उसको देखने के बाद मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स ने मुझसे कहा कि आप अपनी बाइक में पल्सर 220 का साइलेंसर इंस्टॉल करके दिखाओ। तो आज की वीडियो में आप लोगों को वही चीज़ दिखाने वाला हूं और मैं अपनी बाइक में पल्सर 220 का साइलेंसर इंस्टॉल करने वाला हूं। उसको इंस्टॉल करने के लिए हम चलते हैं सीधे ही अपने दोस्त नाजिम की दुकान। तो दोस्तों एक बार फिर से हम नाजिम भाई की दुकान पर पहुँच गए हैं अपनी, ये है नाजिम भाई। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देख पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है वो साइलेंसर पल्सर 220 का, इसे मैंने पेंट करवा लिया है अपने कजन ब्रदर निजाम से। देख सकते हैं आप लोग, ये 220 का मैंने सेकेंड हैंड इसे खरीदा है और इस पर मैट ब्लैक पेंट कर लिया है मैंने। और दोस्तों इस साइलेंसर को पेंट करने के लिए मैंने जिस पेंट का यूज़ किया है वो है ये स्प्रे कैन, ये देख सकते हैं आप लोग, ये है, ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग, ये एरेसोल का है, क्यूब नाम से है। ओके, और ये मैट ब्लैक में है, देख सकते हैं मैट ब्लैक। ओके, तो मैंने इस पेंट का यूज़ किया है अपने साइलेंसर को पेंट करने के लिए। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को साइलेंसर इंस्टॉल करके, और ये देख सकते हैं आप लोग नाजिम भाई लग गए हैं इसका साइलेंसर खोलने के लिए। तो सबसे पहले तो हम इसके इंजन के पास के दोनों बोल्ट खोल लेंगे। ओके, यहाँ साइलेंसर के पास एक्चुअली दो बोल्ट होते हैं 12 नंबर के। ओके, तो ये देखिए नाजिम भाई उसको खोल रहे हैं और ये 12 नंबर की गोटी से हम इसको खोल रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इसको खोलने में, और ये देखिए खुल गए। ओके, चलिए अब मैं आप लोगों को एक बिल्कुल ही अलग चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक लोहे की पत्ती है। ओके, इसी की हेल्प से मैंने अपने इस साइलेंसर को इंस्टॉल कर रखा था। ओके, क्योंकि ये साइलेंसर पल्सर 150 का है और इसमें जो फुटरेस्ट है वो पल्सर 180 का है। ओके, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए मुझे जो दिक्कत आ रही थी उस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए मैंने इस पत्ती का यूज़ किया है, इस लोहे की पत्ती का यूज़ किया है। तो चलिए अब हम इसको भी खोल लेते हैं और देख सकते हैं आप लोग नाजिम भाई इससे लगे हुए हैं, एक 14 नंबर का पाना लेकर के और एक 17 नंबर का पाना लेकर के। ओके, और ये भी लगभग खुल गया है, तो चलिए इसको भी खोल लेते हैं। और ये देखिए अब हम खोल लेते हैं अपने साइलेंसर में लगे हुए इस बोल्ट को 14 नंबर के पाना से। ओके, और ये खुल गया है, देख सकते हैं आप लोग, ये भी खुल गया, ये देखिए ये सब कुछ खुल के बाहर। और ये देखिए अब हमारा साइलेंसर खुल के बाहर, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है वो एक्चुअली इंजन के पास मैंने एक इंजन गार्ड लगाया हुआ है उसकी वजह से। और ये देखिए ये खुल गया और ये खुल के बाहर, अब हम इंस्टॉल करेंगे अपना रबड़ निकालनी पड़ेगी पल्सर 220 का साइलेंसर। तो चलिए इंस्टॉल कर लेते हैं, रबड़ निकालनी पड़ेगी। हाँ, वीडियो भी रोक दो ना, वीडियो रोक। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम अपना ये पीछे का बोल्ट 17 नंबर का होता है उसको लगा लेते हैं और उसको टाइट कर लेते हैं। आगे के बोल्ट जो 12 नंबर के हैं वो हमने अभी पूरे टाइट नहीं किए हैं, बस उसको लगा के छोड़ दिया है। ओके, और पहले ये पीछे वाला, ये देखिए बिल्कुल फिट आ गया है पल्सर 180 के जो साइडिंग गार्ड हैं उसमें, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए ये बिल्कुल सेट फिट आ गया है। ओके, इसमें एक 14 नंबर का और एक 17 नंबर का पाना लगेगा और ये टाइट हो जाएगा। ये देखिए, ये नाजिम भाई लगे हुए करने पर, ये देखिए। ओके, और अभी हम इसको दोनों पाने की हेल्प से, रिंग पाना की हेल्प से इसको दोनों को टाइट कर लेते हैं, देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए। चलिए अब हम आगे के बोल्ट भी टाइट कर लेते हैं और ये देखिए नाजिम भाई फटाफट से लगे हुए हैं स्पीड में करने में। लुक ही चेंज हो गया बिल्कुल, इन्होंने फुल टाइट लुक चेंज हो गया बिल्कुल, लग नहीं कि 150 है, कोई कह नहीं सकता, अंधा भी आगे कह नहीं सकता।
भाई एक बार फिर से बोल दो इस चीज को तुम भाई है? एक बार फिर से बोल दो उल्लू की आंखों से भी देखेगा ना कभी वो नहीं कहेगा कि ये बनती है यार फिर से कुछ कैमरा फिर नीचे हो गया फिर से बोल दे गोरी फिर से बोल दे गोरी बोलो नीचे से तो उसका तो वो आता है ना इंजन गार्ड नहीं दिखे ना एलिंग ये पड़ी अरे यार ये पाइप है यार तुम फिर की ले रहे हो भाई स्पोर्ट बाइक के सिले से थोड़ा ऊपर ही होता है हाँ वो तो होता है मेरे को बैग रखने में दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी हटा दो अब अपने हाथ से ना इसकी ये सब हटा दो छेतियाँ ये देखो हम थोड़ा नया अब चला के देखो ये चालू है या बंद है चालू है चालू चल चेक कर लो हाँ टाइप ले लो मजे ले रहा सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें और मेरे इस वीडियो को शेयर भी करें प्लीज लाइक जरूर कर दें दोस्तों मैं इसी तरह की वीडियोस अपने इस चैनल पे लाता रहता हूँ और इसी तरह के आइडियाज मैं अपने इस चैनल पर आप लोगों को देता रहता हूँ जिससे आप भी अपनी बाइक को मॉडिफाई करके एक अलग लुक एक अच्छा सा लुक अपनी बाइक को दे सकते हैं आपके सब्सक्रिप्शन लाइक और शेयर से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में कुछ नया लेकर कुछ नई सोच के साथ।